से सुना, तारा के लेके पंडित जी चल गई ले, तारा के लेके बाबा गई ले। कहां गई ले हो बाबू ऑपरेटर? तारा के लेके ते बाबू पंडित जी चल गई ले, तन ताकब हमरा हो है ना, देखी छोड़ दी ए कुल का संजोग खराब है भाई। आज अभी सिसवा गांव बुझो तो नहीं कोई सन बा। हाँ बोलो शंकर भगवान की जय। अब हरिश्चंद्र आपन बोली बोलत अड़े भरल बाजार में। अब देखी इनके कीने वाला के आवा था, पंडित जी तले के तारा के रोहित के चल गई ले, लेकिन अब हरिश्चंद्र बोली बोलत अड़े। अरे ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। जब हरिश्चंद्र कहेगी ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, अब बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा, वही बाजार में कलुआ डोम गईल है, सूपा बेना बहले बा, ए खांची ले ले बा, आ दौड़ के जाके हरिश्चंद्र के बाह पकड़ ले ले। हरिश्चंद्र के बाह पकड़ ले तो हरिश्चंद्र कहे भैया 50 भर सोना दे के पंडित जी ले गए तारा के। कलुआ डोम कहले तुहार कितना कीमत बा? कहले 50 भर सोना है बाबा के देवे के बा। तो 50 भर सोना कलुआ डोम कहलत की हाणी में धैले बानी डोमिनिया से कल से लेके आ। 50 भर सोना दिया गई आ हरिश्चंद्र के बांह पकड़ के जब कलुआ डोम लेके चले लगल, बड़की बड़की मोच बड़हन फेटा बनले बा, काला धोती पहिरले रहे। हरिश्चंद्र कहले कहले भैया आप तो हम बिका गल बनी, पहले ही बताओ नौकरी कौन करेब। कलुआ डोम कहले तुहार नाम का हा? कहले हमार नाम हरिश्चंद्र है। कलुआ डोम कहले साज से तुहार नाम हरिश्चंद्र ना रही, डोमे घरे इतना वीआईपी नाम रही, केहू पूछी तो बता दी हमार हरिया नाम हो। हरिया बताइए तोर नाम आज से हरिया रही। हरिश्चंद्र कहले नौकरी कौन करेब। कलुआ डोम कहले तसे सुअर ना चरवाए, तसे सुअर ना चरवाए, बांसे के कार ना कराए, बेना सूपा ए खांची तो से ना बिनवाए। हरिश्चंद्र कहले तो कलुआ डोम कहले सराद खाए के ना ही कहीं भेजब, डिब्बा डूबी में दोही चूरा ले आवे के ना भेजब। हरिश्चंद्र कहले नौकरी बतावा का करीब। कलुआ डोम कहले से श्मशान घाट हमार हो, आ घाटे पर जितना लाश आई कर कफन लेके यहा, बिना कर कफन लिहले कोनो लाश जरावे मत दियो। अच्छा बताई श्मशान घाट पर लोग रोवत जाला कि हाँ सर नहीं बोल। अरे महाराज केहू के बेटा मरल बा, केहू के भाई मरल बा, केहू के मेहरारू मरल बा, केहू के नाती मरल बा, सब रोते जाला। हरिश्चंद्र कहले भगवान कोनो गरीबो आई अमीरो आई आ सबसे कर कफन लेवे के आदेश देता ढोंग, लेकिन परमात्मा के कृपा बड़ा अजीब है। आज बनारस में जाके मेहरारू मर दोनों जने बिका गए लोग। कथा तैयब अलबा तनी गौर से सुनो। हरिश्चंद्र राजा नौकरी डोमे के करे लगले घाटे पर। हमारी बेटियां बहन जरा आंख लगाता तनी दिमाग से सुनब कथा, सूते के नाई बा, जितना व्यवस्था बना के अलबानी आज कथा प्रेम से सुनब। अब यहां से कथा देखिए बारीकी का मोड़ ले रहा है। हरिश्चंद्र वही घाटे पर लाठी लेके पहरा देता, कोनो के माई मरल बा, कोनो के बाप मरल बा, कोनो के बेटा मरल बा, कोनो के भाई मरल बा, कोनो गरीब आयल बा, ओकरा केहू आगे पीछे नहीं बा, वहू से कर कफन लेता। हरिश्चंद्र कहले भोलेनाथ तू बेचवावत बेचवावत कहाँ बेचवा दिया रह। लेकिन हरिश्चंद्र बड़ा बेचैन होके नौकरी करता है, श्मशान घाट पर पहरा देता है। तारा के नौकरी का लागल
पंडित जी कहले अपना बेटा से कई रोज फूल तूर के ले आई आ फूल के माला बना के शंकर भगवान के चढ़ी आ तोह सुन ला तारा तोरा रोज सुबेरे झाड़ू लगाओ के बा पोछा लगाओ के बा बर्तन माजे के बा रसोई पानी बना के घर भर के खियावे के बा सबके कपड़ा फींचे के बा घर में कोनो काम बाकी न रहे नौकरी करे केहू घरे जाई तब आदमी सोची कि इनके जान लेला करावत करावत ई नाई बुझी कि हमरे बेटा के लखाई हो बेटे हो नौकरी करे आवत तो नौकर ना बुझ अगर नौकर का इशारा रहेगा तब तो आप बर्बाद हो जाओगे उसके अंदर भी जीव है वो भी कुछ खाता पीता है ये कहोगे लोग तो बाने जाना जोर दिए भी आने से सांझ ले पूछे ना जाइए कि तू पानी पिएबे कि ना पानियो पिएबे वो आदमी ना ही है ओकरो पियास लगेला ना अरे महाराज एक गिलास पानी में इतना मीठा में का लगल बा लेकिन हरिश्चंद्र वही घाटे पर पानी पी के जिये तड़े रसोई पानी भात रोटी डोमे की यहाँ खात ना बढ़े तारा के नौकरी लागल रसोई बनावे रोहित फुलवारी में रोज फूल तुरे जा धीरे धीरे दिन बीतत जाता तारा कहली कि हमारे स्वामी हरिश्चंद्र कैसे हुई है कौना तरसे नौकरी करत हुई है कौना जगह हम अयोध्या के रानी रहली हम अयोध्या के रानी हो के एक नौकरानी बन के आके हम नौकरी करता रही समय बड़ा बलवान होला ए बाबू टाइम केहू के एक बराबर ना चलेला एक दिन रोहित गए फुलवारी में फूल तूरे अब भगवान के कृपा भइल रोहित के सांप काट लेलस आ जब सांप कटलस तो रोहित गिर के मर गए रोहित मर गए 5 लड़का दौड़ल बड़ा कहे तारा ए तारा तारा कली का है काहे चिल्ला तड़सो का भइल बा लड़का कहले कि तोहर बेटा आज मर गल सांप काट ले बा फुलवारी में तारा कली हमार बेटा मर गई लड़का कहले सो तोहर बेटा होई ओई फुलवारी में गिरल बा मर गल बा तोहर बेटा मर गई तारा हाली हाली जाए लगली मतौआ कल सुन ल बर्तन धो ल रसोई बना ल सबके खिया ल आ फिर बर्तन धो के तब अपना बेटा के लग जाइ अब बताइए तनी पर खाइल पियल जरूरी बा कि बेटा देखल लेकिन समय बड़ा बलवान होला ए बाबू बलदेव बाबा के दुआरी पर आज बेटा मरल बा कथा रउरा ध्यान से सुन तारा रसोई बनौली पानी खाना सब देहला के बाद कहली अपना बाबू के देखी कि कहां मरल बा एगो सहारा बेटा रहल तो बेटो मर गई हमरा के तो बेच देले कौना जगह उ गईले आई बेटा मरल बा जब गईली फुलवारी में तो रोहित गिर के मरल बने तारा देहिया के ऊपरा गिर गली हाक दे आ जगावे लगली कि रोहित रोहित बाबू रोहित तो मर गए बने रोहित तो जिंदा बने ना तारा आधा लुगा पहिर ली हमारे भैया लोग गौर करेंगे आधा साड़ी पहिर ली आ आधा साड़ी में अपनी बेटा के कफन बना के देही में लपेट ले ली आ कान्हे पर धो के अपन मरल बेटा के लाश लेके चले लगली कली चल तनी घाट पर अपना बेटा के जरा दी दुनिया में कहीं सुन ले बानी की महतारी अपनी बेटा के जरौले बा केहू नहीं जरावे लो तो गांव जरा दी टोला महला जरा दी ना तो रिश्तेदार जरा दी लेकिन अपन माई अपनी बेटा के कबो आगी लगाई जराई अपनी बेटा के तारा अपना बाबू के लाश लेके जब कोरा में चले लगली कली भोलेनाथ तहरा दरबार में जे आवेला जेके बाझिनी बनोले बड़ा ओकरा कोख में एगो बेटा देल जेकरी मांगी में सिंदूर नाई बा ओके सिंदूर देल आज ले बड़ा बड़ा बनावे वाला कार कहले बड़ा बिगड़ले ना बरे भगवान हम बेटा ले के ली हमार बेटा मर गई पुत्र मर गई ए मरल बेटा के लेके घाटे पर चले लगली कथा तो बड़ा मोड़ ले लस बाबू तन गौर से सुने
हर गोदी में हमके देके ललनवा छोरी ली हलाए विधाता छोरी ली हलाए विधाता गोदी में हमके देके ललनवा छोरी ली हलाए विधाता छोरी ली हलाए विधाता छोरी ली हलाए विधाता हरिश्चंद्र दानी के सबया रानी के हरिश्चंद्र दानी के सबया रानी के दर दर घुमा वाला ठोकर लगवला हमरा न कुछ पूछी है पिया ता का बदलैबे हमरा न कुछ बुझाता छोरी ली हलाए विधाता छोरी ली हलाए विधाता छोरी ली हलाए विधाता बोल दी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की। आज जितनी बेटियां बहन यहां बैठी हैं गौर करिएगा, अपनी बेटा के लाश लेके महतारी चलल बा। अब वही घाटे पर जातड़ी जहां हरिश्चंद्र पहरा देत रहले, बड़ी मोड़ पर कथा आइल बा। आ जब घाटे पर गली तो रोते जातड़ी, भगवान तू का कैल, अरे पति से तो रिश्ता टूटी गई छूटी गई, एगो बेटा रहले यहू के तू मुआ देला केकरी दरबार में जाई, केकरी दरबार में पुत्र के लेके जाई। ओई घाटे पर तड़प तड़प के रुआ तड़ी। आ जब तड़पल आवाज सुनले हरिश्चंद्र त एक बेर आवाज देले सावधान, बिना कर कफन गिलास नहीं जलेगी। तारा कली भगवान आइयो गईली, आइला के बाद आवाज आवा ताकि बिना कर कफन गिलास नहीं जलेगी। अबला नारी बनी हमर लगबा का, एक गो साड़ी बा, वही साड़ी में बाबू के कफन लपेटले बनी, आ उहे साड़ी अपनी देही पर पहिरले बनी, हम कर कफन कहां से देव। फिर आवाज आई सावधान, बिना कर कफन गिलास नहीं जलेगी। तारा जब तीन बेर आवाज सुनली त इनका आवाज बुझाइल की आवाज तो हमरा परिचय के बुझाता। राउर पति 15 वर्ष के बाद आके दुआरी पर बोलावे राती के, त आवाज चिन्हा जाई कि ना, ना चिन्हाई, अपनी मर्दे के आवाज ना चिन्हाई।
तारा कली गीत हमारा हरिश्चंद्र के बाज। अब हमार सहारा हो जाई बेटा जर जाई, लेकिन पूछी है कि लड़का कैसे मरल है तो कौन जवाब दे। तारा दौड़ के अगवा अली कली, ए सुनिएगा सुनिए, हरिश्चंद्र लाठी ले ले बड़े आगे बढ़त जाता है। जब होतना दूर गई ले सांझी के बेरा बा, ध्यान से सुनिएगा। आगे पड़े दौड़ के तारा लड़का के लाश लेके घूम के घेर ली कली। सुनिएगा, पूछली आपके नाम का है? कहले हमार नाम हरिया है। कलुआ डोम का नाव धैले रहे हरिया। कहली कि हमरा के चिन्ह तनी हरिश्चंद्र। कहले मेरा कोई पहचान का ये नहीं है। तारा कली ये लड़का के चिन्ह तर। कहले कि हमारा ना कोई बेटा है ना औरत है, मेरा तो कोई नहीं है। तारा कली, स्वामी तू चिन्ह चाहे मत चिन्ह, लेकिन हमारी नजर पर तू बाड़ा, हमारी मांग में सिंदूर तू लगोले बड़ा, साड़ी ओढ़ा के बियाह क के तू ले आयल बड़ा, सात गो फेरा घूमे वाला तू हवा, भरल बाजार में बेचे भला राजा तू हवा। आज कहता हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। लड़का मरल बा तनी अपना बेटा के मरल चेहरा और ताक ले राजा। तहर रोहित मरल बने ना, तनी अपनी पुत्र को ताक ल। हरिश्चंद्र कहे कि मेरा कोई नहीं है, एक शर्त सुन लो। कहां से आई हो? अपन परिचय बतौली। कहने कि मेरा ना कोई औरत है ना मेरा बेटा है ना कोई मेरा नहीं अपना है, मैं डोम का नौकर हूं। आप बिना कर कफन लिए लाश जलाई नहीं जाएगी, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। जब हरिश्चंद्र डांटे लगले तब तारा हरिश्चंद्र के सामने खड़ा हो गई। कली स्वामी, अबला नारी बाणी बेचे वाला तू हवा, तोहरे दिहल लुगा पहिरले बानी, तोहरे दिहल साड़ी हमरा देह पर बा राजा, भरल बाजार में बोली बोल के बेच देल, जहिया बेचल तहिया नाई बुझला कि मेहरारू बेचतनी, भरल बाजार में बेच देल। अपनी बेटा के साथे लेके गई है सांप कटले बा, आई लड़का मरल बा एकर लाश ना जरी। हरिश्चंद्र कहे लाश जरेगी, लेकिन बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी, बिना कर कफन की लाश नहीं। तारा कली बिना कर कफन के लाश ना जली। कहना ना, तारा अपनी बेटा के लाश जमीनी पर ध देली। कली मांगी में सिंदूर लगोले बड़ा, तू हमार हमार पति हवा तोहार हम औरत, लेकिन आज मरल बेटा अपनी बेटा के तू कर कफन मांगे तड़ा रह जा। लाश तजरी हम पेटीकोट पहिर के रह, आधा साड़ी पहिरे तनी, आधा साड़ी तोहरे दिहल है राजा, ये साड़ी में से फारल, इस साड़ी में से फारल राजा, अपनी बेटा के लाश जरा था। हरिश्चंद्र कहने भगवान, ई कौनी मोड़ पर लिया के खड़ा कर दिया ला। अपन मेहरारू अपने लुगा में से कहती है कि फार के अपनी बेटा के लाश जरा था। तारा कली स्वामी हमारी साड़ी में से फार ल, साड़ी में से फार के अपनी बेटा के कर कफन लेके तू लाश जरावे द। हरिश्चंद्र 2 मिनट सावधानी चुप रह ले। तारा कली की राजा, अगर तू ईर्खा में बाड़ा कि तोहर बेटा ना हो, ये ईर्खा में बाड़ा कि हमार मेहरारू ना बा, हम आज यही ईर्खा में बानी कि हमारा पति हमारा केहू ना बा, हमारी लुका में से फार के अपनी बेटा के कफन ले लो, हमारी लुगा में से फार के अपन कफन लेके बेटा के जरा दे राजा। हरिश्चंद्र कहले भगवान भोलेनाथ,
तरी दरबार में बड़ी मोर पर बात आ गई बा। अगर कर कफन ला ली तो ये डोमे की यहां बदनामी हो जाई, जौने के नौकर हैं। अब मेहरारू के लुगा में से फारता नहीं तो ये धरती रसातल के चल जाई, पृथ्वी फार दे। तारा कली अब तोहरा झुके के ना बारा जा, तोहरे दीहल हम साड़ी आधा पहिरले बनी, आधा साड़ी हम अब तो के थमावत नहीं हमारा लुगा में से फार लो। साड़ी में के फार के अपनी बेटा के कर कफन तू ले लो, ये पृथ्वी पर नाम हो जाए कि हरिश्चंद्र अपनी औरत के साड़ी फार के कर कफन ले ले। लेकिन हरिश्चंद्र जब चार डेग आगे बढ़ले, लुगा फारे खातिर चला था, आज अब साड़ी फारे खातिर चल ले, आकाशवाणी भइल, आए हरिश्चंद्र अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखियो। हरिश्चंद्र चार डेग पीछे हट गई ले। तारा कली की भगवान कौने मोड़ पर ले आई बड़ा, अपनी बेटा के कर कफन अपन बाप मांगता, पति से तरिश्ता टूटी गई, एगो बेटो दिलर लहो बेटा मर गई, आय अपन मर्द अपनी बेटा के कर कफन मांगता, भगवान केकरी दरबार में जाई। दोनों हाथ तारा यही तरह उठौली, कहली महादेव तहरी त्रिशूल पर बनारस बसल बा, तहरी त्रिशूल पर काशी बसल बा, धरती पर सब देव देव कहाली, लेकिन आप महादेव हैं। मरल बेटा के ऊपर कुछ गुनाह भोखल तो हमके बतावे तू, अब ये धरती पर क्या करी, गंगा जी में डूब के मरी। लेकिन भगवान के गोहर अरियानाथ कैसे होई, तन दोनों हाथ सब लोग ऊपर उठाएंगे, ताली बजाओ एक बार, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ बोले, उठा करके ताली बजाना है, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। आप ईमानदारी से बोलिएगा, जिन्होंने भगवान पर भरोसा किया उसकी नैया डूबी की पार हो गई, जोन बेटा मरल भाई जिंदा ना होई, नहीं होई। कथा को बड़ा बारीकी से सुनिएगा, जिकरा विश्वास कम बा आप विश्वास जोड़ने का प्रयास करेंगे कि वीरेंद्र बाबा विश्वास आज मेरा है, अगर विश्वास नहीं है तो कथा में बैठना और सुनना कोई मतलब। बोलो सच्चे दरबार की। बड़ा जोरदार मोड़ पर आयल बा हरिश्चंद्र। देखी अपनी जीवन में एक काम जरूर करे चाहिए, बाबा लिखे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, आ मोहि कपट छल छिद्र न धावा। विश्वास अपना बनाओ भाई, आ कथा का नाम विश्वास है, अगर विश्वास है
तो ये कथा आपको फायदा करेगी, करेगी फायदा। परीक्षा बढ़िया लोगों का होता है कि बुरे लोगों का? अच्छे लोगों का। परीक्षा सेवरी का हुआ, परीक्षा अजामिल का हुआ, परीक्षा केवट का हुआ, परीक्षा द्रौपदी का हुआ, ए परीक्षा मोरध्वज का हुआ, परीक्षा हरिश्चंद्र का हुआ, परीक्षा प्रहलाद का हुआ। आप बताइए कोई डुप्लीकेट आदमी का परीक्षा हुआ है? परीक्षा में फेल ना हो। वीरेंद्र बाबा तो रात दिन कथे कह रहे हैं, लेकिन इस कथा में इतना वजन है, लास्ट तक कथा सुन करके बताइएगा। आज तक जिंदा कोई बैकुंठ नहीं गया है, लेकिन आज हरिश्चंद्र, रोहित और तारा दोनों बैकुंठ जाएंगे साथ में। दोनों हरिश्चंद्र बहिया पकड़े जौनातर से, अयोध्या से लेके इले हैं। आज पुष्पक विमान आएगा आपके सामने, कथा को हम दर्शा के रखेंगे। वीरेंद्र बाबा जी ने कथा आपको बहुत बढ़िया बोले, जो कथा आपके समझ में आ जाए वही कथा कथा है। हमारे बात समझ में आओ तक ना। आज आपन पति कर कफन मांगता रे। तारा कली स्वामी ये बतावा केकरा द्वार पर जाई, तू अपनी बेटा के ना चिन्ह तड़, अपनी औरत के ना चिन्ह तड़, ई डोमे के नौकरी कर तड़, बेचे के ले आके बाजार में बेच दे ल, अब कहता हमारा कोई नहीं है। तो जब केहू नहीं बा तो हमारा लुगा में से फार साड़ी। जब बरहोली आकाशवाणी भई कि ए हरिश्चंद्र, अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखिए, औरत के साड़ी पर हाथ मत रखिए, नारी मर्यादा की चीज है, नारी घर की लक्ष्मी है, नारी घर के सारा संपत्ति है, और नारी को जलील करोगे तो बर्बाद होना है कि नहीं होना है? भगवान को भी झुकना पड़ा है, परमात्मा को झुकना पड़ा है बाबू। अगर भगवान से झुकने वाली बात है, कभी भी झुको, परमात्मा के शरण में झुको, दुनिया वालों के शरण में क्या झुकना है? ये दुनिया वाले बनाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। हम तो जितने लोगों से बात करते हैं ना, उल्टा ही बात करेगा व्यक्ति कि वीरेंद्र बाबा आप क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लेकिन बोलने का तो तरीका होना चाहिए भाई। आप जितने लोग यहां आए हैं, ये 4-5 हजार की संख्या है, इससे कमजोर लोग नहीं है। ये 3,35,000 तो खाली महिला बैठी हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, गन लिए हम सारे लोगों को। आज कथा जौन चलता, ये केकरा केकरा कथा अच्छा लगा था तन हाथ उठाइएगा, ताली बजाइए बढ़िया रे। एक बात और बताइए, एमे के चाहा था कि मरल लड़का जिंदा हो जा। देखी मरल का हो मुले मनाओ थोड़ा लोगों को उठाइबू अथवा हाँ तो बाबू गजब के लोग बा। बाबा रौरे ताकिले मंदिर है जू लगवे बा, उठावा हाथ बढ़ गया रे ऊपर, ताली बजा लो गड़गड़ा के। एक निवेदन और करेंगे, ईमानदारी से बोलिएगा, ए जू जितना जनी आयल बनी हमनी के कफन लागी कि ना ना लगी? तो जेके कफन लागी ते हाथ उठावे, तो जेके लागी ते उठाई। एरोप्लेन में जरा ज्वर खो के मर खो के तो ना उठाई, जहाजी में आग लागे ला तो रखिए मिले ला, कफन नहीं लागे ला। उठाओ हाथ बढ़िया रे, ताली बजा बढ़िया रे। हरिश्चंद्र के आवाज आई कि ये हरिश्चंद्री, अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत लगाई। आज जब आवाज आई तो तुरंत आवाज आइला के बाद हरिश्चंद्र पीछे हट गई ले। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनी प्रकट हो, ताली बजा के बढ़िया रे। तीनों जनी प्रकट हो गए लो, हरिश्चंद्र शंकर जी के गोड़ पर गिर गए, तारा भोलेनाथ के गोड़ पर गिर ली, और रोहित के कोरा में ले रही जोन मरल लड़का बा। कली की सरकार बेटा मर गए, हमार बाप के संसार में भगवान शंकर जी कहले तो हर लड़का मरल ना बा गोद में ला। कली मरल लड़का गोद में कबले खिलाई हम, कहले जेकरा ऊपर हमार हाथ बा वो बेटा मरी। सजी लीला भगवान कर रहे हैं, टप दे कोरा में लहली लड़का खड़ा हो गल, ताल भी जाएगा बढ़िया रे।
श्याम जी पांडे कहले कहे 10.5 रही सोझे 11,000 हो जा। ताली बजा बजा रहे 500 रुपया। ब्रह्मा विष्णु महेश का इन लोग हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा बनवा कहले की सरकार ना, कहले तो के संपत्ति चाही तो कहले की ना, कहले तो के चाही का, कहले सरकार अपने शरण में ले ली अपनी लोग के हमके ले चली। भगवान आदेश दिहले, शंकर जी आदेश दिहले, आ पुष्पक विमान ऊपर से आई। हरिश्चंद्र अपना बेटा के हाथ पकड़ ले, अपना रानी के हाथ पकड़ के पुष्पक विमान पर जाए लगले। देखी भगवान के लीला। आज ले पृथ्वी पर कोई व्यक्ति जिंदा नहीं गया है बैकुंठ चाहे गौलोक, लेकिन आप प्रमाण के साथ कथा को पढ़िएगा। हरिश्चंद्र, तारा और रोहित माता के पेट से जिंदा पैदा हुए हैं और जिंदा बैकुंठ को गए हैं। ताल बिजार बरियारे। अरे सत्यधारी के सत्य बलवान हो, सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गई ले। मारल बेटा अरे जिंदा भैले, पुष्पक विमान अइया कसवा से अइले, पुष्पक विमान अइया कसवा से अइले, पुष्पक विमान अइया कसवा से अइले। मरल बेटा जिंदा भैले, पुष्पक विमान अइया कसवा से अइले, पुष्पक विमान अइया कसवा से अइले, पुष्पक विमान अइया कसवा से अइले। बाड़ू तू तारा महान हो, टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गई ले। बाड़ू तू तारा महान हो, भगवान हारी गई ले। बोल दी विश्वनाथ धाम की, शंकर भगवान की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की।